बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000। तो भाई अगर आपका बजट 20,000 है, 20,000 के बजट में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, उसके साथ साथ रील टिकटॉक बनाने के ज़्यादा शौकीन हो, उसके साथ साथ भाई अगर आपने सिनेमैटिक शूट करना, अच्छी सेल्फी लेना चाहते हो, तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो तो, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन औजला, वेलकम टू दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को तो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो यार, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो यार उसको चालू कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, नंबर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो यार मैं आपको आज ना टॉप 4 बताने वाला हूँ, जो भी आप फोन लेना चाहते हो आप ले सकते हो, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हुए हैं। अभी बात करते हैं नंबर 4 की, बात कर लेते हैं नंबर 4 की बात करूँ या नंबर 4 पर मैंने रखा Redmi Note 9 Pro Max। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले कैमरे की ही बात करते हैं, तो आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्लस आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसके साथ साथ भाई आपको सेल्फी भी बहुत तगड़ी देखने को मिल जाती है। आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है, बट आपको सेल्फी में 4K ऑप्शन तो चलो नहीं मिलता, बट आपको 1080p देखने को मिलता है। तो भाई अगर आपने सेल्फी अच्छी लेनी है, प्लस भाई अगर आपने रील्स बनानी है, सिनेमैटिक शूट करना है, 4K में अगर आप शूट करना चाहते हो, तब आपके लिए ये बेस्ट डील हो सकती है। आपको 16,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा Redmi Note 9 Pro Max। अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने सिर्फ इस स्मार्टफोन को चैकआउट करना है तो भाई आप चैकआउट भी कर सकते हो, मतलब जैसे भी आपने दिल करता है आप कर सकते हो। आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है भाई, उसके साथ साथ आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाती है, इसके कलर बहुत प्यारे आते हैं। उसके साथ इसका प्लस पॉइंट और भी देखने को मिल जाता है कि इसका डिज़ाइन या लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा सही है। माइनस पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, माइनस पॉइंट आपको ये देखने को मिलता है कि ये प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलता है। तो यार अगर आपने इस फोन को लिया तो आपको केस डाल के इसको यूज़ करना पड़ेगा, और कोई भी इसका माइनस पॉइंट नहीं देखने को मिलता। आप लॉन्ग टाइम इस फोन को रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपने यूज़ करना है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.67 इंच IPS LCD मिल जाती है, प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 720G देख लो मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 6GB रैम मिल जाती है, प्लस 64GB स्टोरेज। बैटरी की बातों को 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 33W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बातों को क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 64MP प्लस 8MP प्लस 5MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूँ आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है। अभी बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपको 16,000 के बजट में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, और Redmi Note 9 Pro Max के प्लस यार मैं अपनी राय भी आपको देना चाहता हूँ। मुझे इसका डिज़ाइन या कलर वगैरह बहुत प्यारे लगते हैं भाई। अगर आपने अभी तक इसको नहीं चैकआउट किया था, मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप चैकआउट कर सकते हो, मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूँ या नंबर 4 पर मैंने रखा है Realme 6 Pro। तो यार पहले मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टॉप 4 बताने लगा हूँ, लेकिन मैंने इस स्मार्टफोन को इस प्राइस रेंज में ऐड कर लिया, बिकॉज ये स्मार्टफोन आपको पूरा लोडेड मिल जाता है Realme 6 Pro। इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो आपको यार क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि 64 मेगापिक्सल के साथ आता, प्लस आपको 20x डिजिटल जूम भी देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले डुअल सेल्फी देखने को मिल जाते हैं, एंड कैमरा एप्लीकेशन में आपको बहुत ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपकी अच्छी सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी करवा देंगे, जो कि इसका प्लस पॉइंट आ जाता है। आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, आपको 4300mAh की बैटरी मिल जाती है, एंड इसके कलर एंड डिज़ाइन या लुक वगैरह भी बहुत प्यारे देखने को मिल जाते हैं। तो यार दैट्स वाई मैंने इसको इस बजट रेंज में रखा, इसीलिए मैंने एक पॉइंट अपना जो एक नंबर है वो इंक्रीज कर दिया, टॉप 5 बताने लगा हूं अभी, ठीक है। तो इसकी मेन स्पेसिफिकेशन की भी बात कर लेते, आपको पता चल जाएगा यार। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.6 इंच IPS LCD मिल जाती है, जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ मिलती है। प्रोसेसर की बात करूं आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है, प्लस 120GB स्टोरेज। बैटरी की बातों को 4300mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूं आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 64MP प्लस 12MP प्लस 8MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूं आपको 16MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बातों को 18,000 के बजट में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको Realme 6 Pro के भी बता दिए, फोन सच में पूरा लोडेड देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने इस फोन की ओर जाना आप जा सकते हो, लेकिन जो मैं आगे फोन बताने वाला हूँ ना वो इससे भी ज्यादा लोडेड होने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहना, स्किप मत करना। आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूँ या नंबर 3 पर मैंने रखा है पोको X3। तो यार अगर आपको एक मतलब फुल लोडेड स्मार्टफोन चाहिए ना, तब आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है, गेमिंग करनी है, अच्छी सेल्फी चाहिए, अच्छा डिजाइन चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, उसके साथ साथ भाई अगर आपको 6000 mAh की बैटरी चाहिए,
तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है पोको एक्स थ्री। भाई अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है भी, अगर आपने लाइक सिनेमेटिक शूट करना है, अच्छी सेल्फी लेना चाहते हो, अच्छी फोटोज़ लेना चाहते हो, तब भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। मतलब अंडर 20,000 पोको एक्स थ्री पूरा परफेक्ट डील में, मतलब ये फ़ोन बना है, बहुत लोगों ने परचेज़ किया, बहुत लोगों ने पसंद किया, प्लस आपको 4.5 रेटिंग देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ भाई आपको पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलेंगे जो कि इसका इस फ़ोन के प्लस पॉइंट हो जाते हैं। इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते, आपको पता चल ही जाएगा यार। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.67 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं 6GB रैम में भी मिल जाता है, 8GB रैम में भी आपको देखने को मिल जाता है, प्लस आपको 128GB स्टोरेज मिल जाती है। बैटरी की बात करूं 6000mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूं आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 64MP प्लस 30MP प्लस 2MP प्लस 2MP प्लस आपको सेल्फी मतलब बैक कैमरे में 4K ऑप्शन मिल जाता है, सेल्फी में आपको नहीं मिलता, सेल्फी आपको 20MP मिल जाती है। प्राइस की बात करूं आपको 18,000 के बजट में मिल जाता है, प्लस आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। आपका फोन हीटिंग इशू में नहीं जाने वाला यार, आपके प्लस पॉइंट इस फोन के बहुत देखने को मिलते हैं। यार फोन के मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ यार, अगर आपका बजट 20,000 है ना, तो 20,000 के बजट में आपको एक फुल लोडेड स्मार्टफोन चाहिए जिसपे आप सभी काम कर सको ना, तब आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है पोको एक्स थ्री। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ यार, नंबर टू पर मैंने रखा है रियलमी 7 प्रो को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, इसके प्लस पॉइंट की सबसे पहले बात करते हैं, तो आपको 65W का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कि आपके फोन को सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। माइनस पॉइंट की बात करूं तो प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलता है, तो आपको केस डाल के इसको यूज करना पड़ेगा। तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाते हैं। तो भाई अगर आपने रिकॉर्डिंग भी फ़ोन पे करना है, उसके साथ साथ अगर आपने एडिटिंग भी फ़ोन पे करनी है, तो भाई आपके लिए ये स्मार्टफोन भी परफेक्ट डील हो सकता है। भाई अगर आपने नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, तब भी आपके लिए बेस्ट है। प्लस भाई अगर आपने रील्स टिकटॉक वगैरह या सिनेमेटिक शूट करना है या व्लॉगिंग करनी है, आपके लिए भी ये बेस्ट डील हो सकती है अगर आपका बजट 20,000 है। अभी इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बातों को 6GB रैम मिल जाती है, एंड ये 8GB में भी देखने को मिलता है, 6GB में भी देखने को मिलता है। 6GB का प्राइस आपको मतलब 19,000 से कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो 8GB का प्राइस है वो आपको 20,000 के या 19,000 के बजट में देखने को मिलता है। तो आप चेकआउट कर लेना, जो भी आपके बजट में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। आपको 128GB स्टोरेज मिल जाती है, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बात करूँ आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 65W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूँ आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है, 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps पर। सेल्फी की बात करूँ आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ आपको 19,000 के बजट में मिल जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको रियलमी 7 प्रो के भी बता दिया। अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना, आप जा सकते हो। आपको डिस्प्ले बहुत ज़्यादा सही मिल जाता है, उसके साथ साथ डिज़ाइन या लुक वगैरह भी बहुत प्यारी देखने को मिल जाती है। जो भी कलर आपको पसंद आता है अभी आप ले सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ यार, नंबर वन पर मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M31s। सबसे पहले इसके प्राइस की बात करूँ तो आपको 18,000 के बजट में देखने को मिल जाता है। अपने टॉपिक की बात करूँ मतलब कैमरे की बात करूँ, आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो बैक कैमरे में एंड फ्रंट कैमरे में 30fps पर, जो कि इसका प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। प्लस नॉन चाइनीज स्मार्टफोन, उसके साथ साथ आपको प्राइवेसी सिस्टम बहुत तगड़ा मिल जाता है, आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। तो भाई अगर आपने सिनेमेटिक शूट करना है, व्लॉगिंग करनी है, टिकटॉक बनाते हो, रील्स बनाते हो, उसको एडिट भी अगर आपने भाई फोन में ही करना है ना, तब आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है सैमसंग गैलेक्सी M31s। आप जा सकते हो इस स्मार्टफोन के और, बट अगर आपने गेमिंग भी करनी है आपको मैं रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज आपको एक्सनॉक्स 9611 देखने को मिलता है, जो कि इतना तगड़ा प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन भाई आपकी गेमिंग करवा देगा। ऐसा नहीं है कि करवा नहीं सकता, लेकिन भाई अगर आपने वीडियो के लिए लेना है, कैमरे के अकॉर्डिंग अगर आपने फ़ोन लेना है ना, तो सैमसंग गैलेक्सी M31s सच में आपके लिए बेस्ट डील एंड परफेक्ट डील हो सकती है, जो कि आप लॉन्ग टाइम पीरियड इसको यूज़ कर सकते हो एंड बजट फ्रेंडली है। भाई अगर आपका बजट 20,000 है आपके लिए भी बेस्ट है। भाई अगर आपका बजट मतलब 15,000 से थोड़ा सा अपर है, आपके लिए भी ये स्मार्टफोन बेस्ट डील हो सकती है। तो मतलब बजट फ्रेंडली सा कह सकते हैं। एंड सैमसंग ब्रांड, इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे आते हैं, डिज़ाइन लुक वगैरह बहुत सच में प्यारी है, ठीक है। प्लस सैमसंग का ब्रांड इस मतलब नंबर वन पर रखने का एक और रीज़न है कि इसका जो प्राइवेसी सिस्टम होता है ना सैमसंग के स्मार्टफोन्स का, वो बहुत ही होता है। अगर बात करूं मैं ओप्पो का, रियलमी का, रेडमी का, इनमें आपको इतना तगड़ा प्राइवेसी सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन सैमसंग के फोन्स में जो 15,000 से ऊपर आते हैं ना, उनमें आपको प्राइवेसी सिस्टम बहुत सही मिल जाता है। तो यार दैट्स वाइज को नंबर वन पर रखा। अगर आपने कोई भी इस कैमरा के रिलेटेड अपने वीडियोज़ करनी है, तो भैया आप कर सकते हो, नॉर्मली एंड ईजिली कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसकी मेन स्पेसिफिकेशन की।
तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, प्रोसेसर की बातों को एक्सनॉक्स 9611 मिल जाता है, स्टोरेज की बात करूँ आपको 6GB रैम मिल जाती है, 128GB स्टोरेज प्लस एक्सपेंडेबल भी आप कर सकते हो, प्लस ये 6GB में भी आता है 8GB में भी आता है, भाई जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बैटरी की बात करूँ आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 24W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बातों को क्वाड कैमरा से आपका मिल जाता है 64MP प्लस 12MP प्लस 2MP प्लस 2MP जिस पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूँ आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है जिस पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 18,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी M31SK भी बता दिया। अभी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई अगर मेरा भी बजट 20,000 होता ना तो मैं 20,000 के बजट में सैमसंग गैलेक्सी M31S की और ही जाता, बिकॉज उसमें आपको कैमरा डिस्प्ले डिज़ाइन लुक वगैरह प्लस आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती। तो भाई अगर आप सिनेमेटिक शूट करते हो, आउटडोर यूज़ करते हो, भाई आपकी बैटरी जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। अगर आपने जितना भी मतलब अगर आपने यूज़ करना है कैमरे के रिलेटेड आप कर सकते हो, प्लस अगर आपने वीडियो एक्टिंग भी फोन पे करनी है आपका एक्सपीरियंस बहुत सही होने वाला है यार। प्लस अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो तब भी आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है यार, नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है। तो यार अभी मैंने आपको इतने फोन बता दिए, ठीक है, कैमरे के रिलेटेड सभी फोन बताएं। तो यार आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, करें इंस्टाग्राम पे करें फॉलो यार, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर देना। अगर फॉलो वगैरह करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे यार।